ओके क्वेश्चन आप लोगों का ये आ रहा है कि रिवैल्यूएशन की वजह से जो डेफर्ड टैक्स अराइज हो रहा है, हम उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस से क्यों माइनस कर रहे हैं। अब मेरा एक सादा लॉजिक समझें। पहले मैं आपको एक वाजे बात बता रहा हूँ कि किसी भी एसेट की रिवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस, कि जब भी हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं या टैक्स रिलीफ कैलकुलेट करते हैं, तो कभी भी रिवैल्यूएशन टैक्सेशन अथॉरिटीज की तरफ से अलाउ नहीं की जाती। ऑल्दो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, IAS 16 है, IAS 40 है, IAS 41 है, उन स्टैंडर्ड्स में हमें एसेट को रिवैल्यू करने की इजाजत मौजूद है। लिहाजा हम जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें हम एसेट को बाकायदा रिवैल्यू करके और उसके गेंस एंड लॉसेस को या तो इक्विटी में भेजते हैं या प्रॉफिट और लॉस में भेजते हैं, लेकिन टैक्सेशन अथॉरिटीज रिवैल्यूएशन अलाउ नहीं करती। अच्छा, अगर रिवैल्यूएशन होती है एज पर IAS 16 या फिर एज पर IAS 38, तो हम जो भी गेन होता है रिवैल्यूएशन पे वो कहां जाता है? दैट इज क्रेडिटेड टू OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या जिसको हम कहें कि इसको क्रेडिट किया जाता है इक्विटी पे। अच्छा, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये रिवैल्यूएशन हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट को असर अंदाज करेगी? ये रिवैल्यूएशन क्या हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट को बढ़ाती है? यस, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नो? यस, ऑब्वियसली। तो बेसिकली हम डेफर टैक्स रिकॉर्ड क्यों करते हैं? द रीजन इज टू एलिमिनेट मिसमैच बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्सेबल प्रॉफिट। तो इमीजिएटली जब हमने IAS 16 के तहत किसी भी प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट को रिवैल्यू किया, तो ना तो हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में उसका कोई इंपैक्ट गया और ना ही हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट में उसका कोई इंपैक्ट जाता है। लेकिन होता क्या है, अगर आपका एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होता है तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है और डेप्रिसिएशन कहां अफेक्ट करती है? हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस को, वो टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस को भी असरअंदाज नहीं करेगी, क्योंकि टैक्सेशन अथॉरिटीज ने जब रिवेल्यूशन को माना ही नहीं तो वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन या एक्स्ट्रा कैपिटल अलाउंसेस भी अलाउ नहीं करते। हेंस होता क्या है कि अगर
हम अकाउंटिंग और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही रूट पे चल रहे हों, लेट्स से एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 1.8 मिलियन डॉलर्स है, हम भी 1.8 मानते हैं, टैक्स वाले भी 1.8 मानते हैं, और इत्तेफाक से अब तक हम डेप्रिशिएट भी, लेट्स से फॉर इंस्टेंस उसको 1 मिलियन से कर चुके हैं, और मजे की बात कि टैक्सेशन अथॉरिटीज ने हमें उस पे जो रिलीफ दिए हैं कैपिटल अलाउंसेस वो भी 1 मिलियन पे दिए हैं। तो सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स लेटर हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू भी 8 लाख है और टैक्स बेस भी 8 लाख है, और इन दोनों के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, लेट्स से हम फॉलो करते हैं रिवेल्यूशन मॉडल, और इस साल के आखिर में आके हम एसेट को रिवैल्यू करते हैं। लेट्स से फॉर इंस्टेंस इस एसेट को रिवैल्यू करने पे 2 लाख का गेन आ जाता है। हम तो मानते हैं, टैक्स वाले नहीं मानते। हमारे मानने की वजह से हमारे एसेट की जो नेट बुक वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू है, वो 2 लाख बढ़ के 10 लाख हो जाती है, जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज उसको क्योंकि नहीं मानती तो वो 8 का 8 रह जाता है। लेकिन जो डिफर टैक्स का उसूल है वो ये है कि जब भी एसेट की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से ज्यादा होगी, दैट वुड बी रेफर्ड एज टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस अराइज हुआ है 2 लाख का। लेकिन क्या इस 2 लाख ने कहीं भी आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट को बढ़ाया या कहीं भी आपके टैक्सेबल प्रॉफिट को बढ़ाया? आप कहते नहीं। तो मैं आपसे पूछूं कि इस साल में क्या आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में कोई फर्क होगा? तो आप कहेंगे और कोई हो तो हो, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से तो नहीं होगा। तो जब इस 2 लाख ने प्रॉफिट और लॉस को असरअंदाज किया ही नहीं, लेट्स से अगर हमारा टैक्स रेट 30% है तो इसके ऊपर जो लायबिलिटी बनेगी 60,000 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो भी हम कहां भेजेंगे? उसको भी प्रॉफिट लॉस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 2 लाख का जो डिफरेंस है क्या वो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट के दरमियान डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, वो तो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा। जब वो नहीं डिफरेंस क्रिएट कर रहा तो उसकी वजह से हम प्रॉफिट और लॉस को असर दें भी क्यों, जब उसने कोई डिफरेंस क्रिएट किया ही नहीं? तो इस वजह से हम ये 60,000 को डेबिट प्रॉफिट लॉस में नहीं करते बल्कि इक्विटी में करते हैं अंडर द हेडिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस, और क्रेडिट हमने कर दिया क्योंकि हमारी लायबिलिटी तो बढ़ी। और हमने क्रेडिट किया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को। रिमेंबर, ये हमने कोई पेमेंट नहीं करनी है, किसी को भी कोई पेमेंट नहीं करनी है, लेकिन अब ये लायबिलिटी ओवर द टाइम खत्म होगी। ये खत्म कैसे होगी? अब डेप्रिसिएशन फॉर फ्यूचर ईयर्स विल बी हायर। अब हमारी डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी जबकि टैक्स के कैपिटल अलाउंसेस में कोई भी फर्क नहीं होगा। तो ये वजह है कि जब इनिशियली रिवैल्यूएशन की वजह से हमारे प्रॉफिट और लॉस में कोई असर नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से टैक्स की फिगर पे भी हम प्रॉफिट लॉस में कोई फर्क नहीं डालेंगे। फर्दर कोई भी क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, अभी भी पूछ सकते हैं। वारिस, ये कल हमने एक क्वेश्चन देखा था,
तो इसको भी एक क्विक रिव्यू दे लो कि इसने कहा था कि हमें एक प्रोविजन बनाना है फॉर इनकम टैक्स, वो 24.3 मिलियन का था, और फिर उसी साल के आखिर में बताया था कि टैक्स बेस नेट एसेट से 15 मिलियन कम है और इसमें रिवेल्यूशन का इंपैक्ट शामिल नहीं था। तो हमने एक तो प्रोविजन बनाया था, दूसरा सरप्लस को छोड़ के टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट किया था, फिर हमने सरप्लस काउंट किया और सरप्लस की वजह से हमने देखा कि टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस में कितना इजाफा है, और अकॉर्डिंगली उसका एक इंपैक्ट हमने भेजा प्रॉफिट लॉस में और दूसरा इंपैक्ट भेजा रिवेल्यूशन सरप्लस में। तो जब भी एसेट रिवैल्यू होता है, अपवर्ड रिवैल्यू होता है, तो उसकी वजह से एसेट की कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस में फर्क आ जाता है। लेकिन वो फर्क बेसिकली प्रॉफिट और लॉस से घूम के नहीं आ रहा होता, वो डिफरेंस क्योंकि इक्विटी में जा रहा होता है, कोई मिसमैच नहीं क्रिएट कर रहा था, लेकिन फ्यूचर पीरियड्स की डेप्रिसिएशन में फर्क डालेगा, इस वजह से हमने उसको रिवेल्यूशन से उड़ा दिया। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली हम नेक्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। डेफर्ड टैक्स हमारा मुकम्मल हुआ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या चीज होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? अगर हम सादा जुबान में समझें तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज फॉर वन एंटिटी इक्विटी और लायबिलिटी फॉर अनदर एंटिटी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत एक कंपनी के पास एसेट अराइज हो और दूसरी कंपनी के पास इक्विटी या फिर लायबिलिटी अराइज हो, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। करते हैं और परचेज। क्रेडिट सेल में क्या होता है कि हम कोई गुड्स सप्लाई करते हैं, कुछ गुड्स डिलीवर करते हैं टू द कस्टमर हु प्रोमिसेस अस टू पे फॉर इट लेटर। तो जो सेलर है उसके पास रिकॉर्ड होता है ट्रेड रिसीवेबल जो कि एसेट है, और जो परचेजर है, जो बायर है, उसके पास रिकॉर्ड होगा ट्रेड पेएबल जो कि उसके लिए लायबिलिटी है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से एक कंपनी के पास एसेट और दूसरी कंपनी के पास इक्विटी या लायबिलिटी आए, से फॉर इंस्टेंस इन्वेस्टमेंट इन
बॉन्ड्स और लो नोट्स। जो इन्वेस्टर है उसके पास आएगी इन्वेस्टमेंट, और जो इश्यूअर है उसके पास आएगा बॉन्ड्स या लोन नोट्स, जो कि कहलाएगी उसके लिए लायबिलिटी। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे जाएं तो जो इन्वेस्टर है वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, और जिसने इश्यू किए हैं वो रिकॉर्ड कराएगा उसके अपने पास शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम, जो कि नेचुरली इक्विटी है। हेंस हम ये कह रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो एक कंपनी के लिए एसेट हो और दूसरी कंपनी के लिए इक्विटी या लायबिलिटी हो, दैट विल बी सेटल्ड इन कैश। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन है। आप इस मिसाल में एग्जाम्पल लेके आ जाएं प्रीपेमेंट एंड अक्रूअल की। व्हाट इज प्रीपेमेंट एंड अक्रूअल? जो एडवांस में पेमेंट करता है उसके लिए एसेट है, अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं कोई चीज आपको पहले से देता हूं तो मेरे लिए एसेट हो जाएगा, लेकिन ये बनेगा जिसको मैं दे रहा हूं उसके लिए बनेगा ये अनअर्न इनकम। जब तक मैं सर्विसेज ले नहीं लेता तब तक मैं एसेट को एक्सपेंस नहीं मानूंगा, जब तक वो मुझे सर्विसेज दे नहीं देता तब तक वो उसको इनकम नहीं मान सकता। लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक ये ट्रांजैक्शन कैश में सेटल नहीं होगी, हालांकि प्रीपेमेंट एक कंपनी के लिए एसेट है और दूसरी कंपनी के लिए इक्विटी या लायबिलिटी है, लेकिन क्योंकि इसको कैश में सेटल नहीं किया जाएगा तो प्री पेमेंट को फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोला जाएगा। बाकी शेयर्स खरीदना, बॉन्ड्स खरीदना, लोन नोट्स खरीदना, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह, ऐसी चीजें सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में काउंट होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? पहले पहले हम डील करते हैं IAS 32। ये डील करता है विथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसका बुनियादी इशू जो हमारे सिलेबस में कवर्ड है वो है डेट और इक्विटी,
और हम यहाँ पे किसकी हैसियत में है? हम यहाँ पे इश्यूअर की हैसियत में है। अच्छा, व्हाट डू आई मीन बाय डेट और इक्विटी? हम अगर कोई भी फंड्स रेज करते हैं, लाइक हम ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करें, या हमारी कंपनी लोन नोट्स इशू करे, डिबेंचर्स इशू करे, बॉन्ड्स इशू करे, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे, तो IAS 32 हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि हम हमारी कंपनी इसको एज एन इक्विटी दिखाएगी या एज ए लाइबिलिटी दिखाएगी। तो इसने सिंपली कहा कि आप इसकी डेफिनेशन चेक करें कि लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और तीसरा सेटलमेंट विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट्स। तो पहला तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए मौजूदा, दूसरा पास्ट इवेंट की वजह से आनी चाहिए, तीसरा इसकी वजह से बेनिफिट आउटफ्लो होने चाहिए। तो हमने जब पूछा कि कोई भी सोर्स हमारे लिए लायबिलिटी है या इक्विटी है, तो इसने कहा कि डेफिनेशन में लगा के पूछ लो। तो लेट से हमने देखा कि जब हमारी कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करती है, तो क्या हमने इन्वेस्टर को वो पैसे वापस करने होते हैं? जब हमारी कंपनी इन्वेस्टर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स देके पैसे लेती है, तो क्या हमने इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करने होते हैं? नो, बिकॉज ऑर्डिनरी शेयर्स हमेशा क्या होते हैं? इरिडीमेबल होते हैं, क्योंकि आपने पैसे वापस नहीं करने, तो इट इज नॉट मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी, देयरफॉर द फंड्स मस्ट बी ट्रीटेड एज एन इक्विटी। हमने कहा बेहतरीन बात बता दी। हमें फिर कंफ्यूजन नहीं चले कि अगर हम कोई बॉन्ड्स इश्यू करते हैं या डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, तो ये क्या होते हैं? हमेशा रिडीमेबल होते हैं, कि हमने इनको पैसे वापस करने होते हैं, तो आउटफ्लो तो होना है। लायबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक अगर आउटफ्लो होना है, तो हम इसको क्या मानेंगे? डेट यानी लायबिलिटी। ठीक हो गया। फिर हम आए कि चलो बाकी बातें तो समझ में आ गई, प्रेफरेंस शेयर्स का क्या सीन है? प्रेफरेंस शेयर्स से मिलने वाले पैसों को हम इक्विटी मानेंगे या लायबिलिटी मानेंगे? व्हाई लायबिलिटी? क्या लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट कर रही है? बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इरिडीमेबल और दूसरे होते हैं रिडीमेबल। इरिडीमेबल में कंपनी ने इन्वेस्टर को पैसे वापस नहीं करने, जबकि रिडीमेबल में इन्वेस्टर को कंपनी पैसे वापस करेगी।
करेक्ट वारिस। तो अगर इरिडीमेबल होगा तो हम इसको मानेंगे इक्विटी, और अगर रिडीमेबल होगा तो इसको मानेंगे हम डेट। फेयर, बहुत आसान होगी बात। क्या आप लोगों को पता है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स किसको कहते हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स किसको कहते हैं? व्हाट आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स? दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू ऑर्डिनरी शेयर्स लेटर। करेक्ट है। अच्छा, होता है क्या है इसमें, इनको इश्यू किया जाता है फॉर कैश, फिर इस पे एक इंटरेस्ट पे किया जाता है कूपन इंटरेस्ट, पे किया जाता है कब तक, मैच्योरिटी तक, और ये इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उनको कैश करवा ले, या वो चाहे तो वो उसको कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है। अच्छा, अब आज तो मुझे पैसे मिले, मैं कूपन भी दूंगा, लेकिन क्या आउटफ्लो ऑफ कैश है या नहीं है? क्या कंपनी ने पैसे वापस देने हैं या नहीं है? और लायबिलिटी की डेफिनेशन देख के आप मुझे ये बताओ कि कन्वर्टेबल्स लायबिलिटी है या इक्विटी है। दैट कैन बी ऑब्लिगेटरी, लाइक अगर आपके इन्वेस्टर्स, आपके होल्डर्स डिमांड करते हैं कि मुझे पैसे दें तो यू हैव टू पे, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हमें शेयर्स दें तो यू विल गेट गिव देम शेयर्स, नॉट कैश। तो आज मैं उसको क्या रिकॉर्ड करूं, ये तो मुझे मैच्योरिटी पे पता चलेगा। लेट्स से 4 साल की मैच्योरिटी है तो ये तो मुझे 4 साल के बाद पता चलेगा कि इन्वेस्टर मुझसे पैसे लेता है या शेयर्स लेता है। आज मैं उसको क्या रिकॉर्ड करूं? देम देम देम, दैट इज ऑप्शन फॉर देम। मैंने यहां पे लिखा है कि होल्डर हैज द ऑप्शन, ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टर। तो अब वो हमसे कैश भी कन्वर्ट करवा सकता है, पैसे भी, या शेयर्स भी ले सकता है। फैजान, अगर शेयर्स ले लिए बाद में तो मैं तो उसको लायबिलिटी मान के रखूंगा, लेकिन वो शायद मुझसे शेयर्स ले ले। अगर शेयर्स लेगा तो मेरे लिए इक्विटी है। ओके, मैं क्लियर करता हूं उसको। इसमें क्योंकि दोनों है तो IS-32 कहता है कि दिस इज बेसिकली रेफर्ड एज हाइब्रिड या फिर कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड मतलब 2 in 1,
इसमें दोनों एलिमेंट्स हैं, इसमें डेट का एलिमेंट भी मौजूद है और इसमें इक्विटी का एलिमेंट भी मौजूद है। अच्छा, अब एक बुनियादी बात आप याद रखोगे, इंटरेस्ट जो कंपनी कन्वर्टिबल्स पे पे करेगी ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेबल्स विल ऑलवेज बी लेसर देन डेट विदाउट कन्वर्जन राइट। ये बात याद रखेंगे कि कन्वर्टेबल्स पे क्योंकि हम इन्वेस्टर को ऑप्शन दे रहे हैं कि वो कैश भी ले सकते हैं, वो शेयर्स भी ले सकते हैं, तो हम इन्वेस्टर को फेवर कर रहे हैं। उस फेवर का हम फायदा ये उठाएंगे कि हम उनको जो इंटरेस्ट पे करेंगे, जो कूपन पे करेंगे, वो हमेशा लेसर पे करेंगे, नहीं कम पे करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि अगर आप मुझसे एक बॉन्ड खरीदते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेबल है, सॉरी, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल है फॉर कैश, उस पे मैं आपको इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा, और अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप पैसे चाहो तो पैसे ले लेना, शेयर्स चाहो तो शेयर्स ले लेना, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स पे मैं आपको जो इंटरेस्ट पे करूंगा वो हमेशा कम होगा। अच्छा, अब एक आगे की बात समझते हैं। एक होती है पार वैल्यू, लीगल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। ठीक है, बॉन्ड्स के लिए इट इज यूजुअली $100 और $1,000। पार वैल्यू क्या होती है, ये हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है। ऑर्डिनरी शेयर्स की पार वैल्यू $1 होती है, तो पार वैल्यू कहें, फेस वैल्यू कहें, लीगल वैल्यू कहें या नॉमिनल वैल्यू कहें। दूसरी होती है इश्यू वैल्यू। इश्यू वैल्यू का क्या मकसद है, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो उतने पैसे देगा जितने पैसे कंपनी मांग रही है। तो एक होगी पार वैल्यू, एक होगी इश्यू वैल्यू, तीसरी होती है रिडेम्पशन वैल्यू। ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे डेट मैच्योर होगा। उसके अलावा एक आता है कूपन इंटरेस्ट। कूपन इंटरेस्ट हमेशा अप्लाई किया जाता है ऑन पार वैल्यू ऑन
और इसको रेगुलरली पे किया जाता है इन्वेस्टर्स को। लेकिन ये बात आप याद रखोगे कि कूपन इंटरेस्ट हमेशा हमेशा अप्लाई किस पे किया जाएगा, पार वैल्यू पे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, किसी को कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब होता क्या है, लेट्स से कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने एक 8% $100 बॉन्ड ऑथराइज करवाया जिसको वो इश्यू करती है $96 पे। रिडीमेबल है एट पार वैल्यू 3 साल के बाद। अब लेट्स से कंपनी के पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स है 12,000। आप मुझे बताएं कि कंपनी को आज पैसे कितने मिलेंगे? कंपनी को इश्यू करने के टाइम पे पेमेंट कितनी मिलेगी, पैसे कितने मिलेंगे? डिड यू कैलकुलेट लाइक इश्यू कर रहे हैं 96 पे, देर आर टोटल 12,000 बॉन्ड्स और हम हर बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं $96 पे। कंफर्म द वैल्यू, ये बन रही है। इट्स 1,152,000। ठीक है, कंपनी ने एनुअली कितना इंटरेस्ट पे करना है? कंपनी एनुअली कितना इंटरेस्ट पे करेगी? जो भी परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी होती है ये होती है हमेशा कूपन। ईमान, मैंने ये वाजे किया कि अगर मैंने लिखा है 8% $100 बॉन्ड, तो जो भी परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी जाएगी वो हमेशा क्या होगी, कूपन। और कूपन क्या होता है मैं आपको ऊपर बता चुका हूं यहां पे। यस, इंटरेस्ट कितना है? इज इट 92,160? सजाद, आई बिलीव दैट विल नॉट बी द इंटरेस्ट। कंफर्म करो।
पार वैल्यू कितनी है? $100 इंटू 12,000, 12 लाख, और उस पे लगाएंगे कूपन यानी 8%। तो 12 लाख का 8% यही बन रहा है, 96,000। ओके, और आखिर में कंपनी ने इन्वेस्टर्स को पैसे वापस कितने देने हैं? लास्ट में कंपनी इन्वेस्टर्स को कितने पैसे वापस करेगी? मैंने यहां लिखा है रिडीमेबल एट पार वैल्यू, तो पार वैल्यू इसकी कितनी है? बारह लाख। ठीक है, अच्छा अब अकाउंटिंग इश्यूज देखते हैं। ईयर वन में जब कंपनी को पैसे मिलते हैं तो कंपनी अपने पास लायबिलिटी कितनी दिखाएगी? ईयर वन में जब कंपनी को पैसे मिलते हैं, पैसे मिले हैं 11,52,000, 1,152,000, तो कंपनी अपने पास लायबिलिटी भी कितनी दिखाएगी? अमृता, जब मिले ही उसको 11,52 है तो वो लायबिलिटी 12 लाख कैसे दिखा सकती है? यस, ओके, मे बी दिस इज योर आंसर फॉर द रिडेम्पशन। रिडेम्पशन 12 लाख होनी है। आज कंपनी क्या करेगी, पहले साल जब मिलेंगे पैसे तो डेबिट करेंगे कैश और बैंक, और क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी एज 8% बॉन्ड्स। कैश कितना उसको मिला? 11,52, 1,152,000, और वो लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करेगा 1,152,000। ऐसा ही है। अच्छा अब क्या होता है, 3 साल कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी जिसको वो रिकॉर्ड करेगी एज अ फाइनेंस कॉस्ट। कंपनी कंपनी एक्सपेंस कितना दिखाएगी प्रॉफिट लॉस में? इंटरेस्ट हमने पे करना है 96,000। अगर कि हम एक्सपेंस दिखाते हैं फाइनेंस कॉस्ट 96,000 पहले साल में, 96,000 दूसरे साल में, और 96,000 तीसरे साल में, जबकि आपके पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितने पे दिख रही होगी? 1,152, 1,152, 1,152। ठीक है, अच्छा तो पहले साल में जब आपने लोन नोट या बॉन्ड इश्यू किया तब आपने ये एंट्री पास की, फिर आप एनुअली डेबिट करते हैं फाइनेंस कॉस्ट और क्रेडिट करते हैं कैश और बैंक, 96,000
96,000, ये आप करेंगे ईयर वन टू ईयर थ्री, ठीक हो गया। अब हम आते हैं आखिरी साल पे, रिडेम्पशन पे हम पेमेंट कितनी करेंगे, हमने अभी भी बात की 12 लाख, तो रिडेम्पशन के टाइम पे हम क्रेडिट करेंगे कैश और बैंक, बारह लाख से, जबकि हमारे पास लायबिलिटी कितनी रिकॉर्डेड है, 11,152। लायबिलिटी को खत्म करेंगे, डेबिट करेंगे कितने से, 11,152। एंट्री तो बैलेंस नहीं हुई, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 11,152 और 12 लाख में डिफरेंस कितना है, 48,000। तो मैं डेबिट करता हूं 48,000, कहां डेबिट करूं, मैंने 11,52 की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए 12 लाख रुपए दिए हैं, 48,000 रुपए ज्यादा दे रहा हूं, इसको मैं कहां भेजूं, अगर मैं इसको भेजता हूं प्रॉफिट लॉस में एज एन एक्सपेंस, तो तीसरा साल बेसिकली 96,000 की फाइनेंस कॉस्ट बियर कर रहा है और 48,000 की रिडेम्पशन लॉस को भी बियर कर रहा है। तो आखिरी साल ये नहीं बोलेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो, जब हम तीनों सालों ने बराबर रुपयों का बेनिफिट लिया है, जब हम तीनों के पास सेम अमाउंट था, तो आपने पहले 2 सालों को सिर्फ 96,000 का इंटरेस्ट दिया है और मुझे 96 का भी दिया, 48 का भी दिया। दिस विल रिजल्ट अगेन इन मिसमैच। ठीक है, बात समझ में आई कि मुझे जब मैंने जब लोन नोट्स इशू किए या बॉन्ड्स इशू किए, मुझे 11,52,000 मिले, मैंने कैश डेबिट किया, लायबिलिटी क्रेडिट की, हर साल 96,000 96,000 96,000 पे किया, उसको मैंने एक्सपेंस दिखाया, लेकिन आखिर में जब रिडेम्पशन का वक्त आया तो मेरे वादे के मुताबिक मैंने उनको 12 लाख रुपए देने थे, तो मेरी लायबिलिटी की वैल्यू थी 11,52 और मैं पेमेंट कर रहा हूं 12 लाख की, 48,000 में एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, ये नुकसान तीसरा साल क्यों भर रहा है, हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के रखवाले एकदम से मैदान में कूद पड़े, हमने कहा कि ये खर्चा सिर्फ तीसरे साल को नहीं मिलना चाहिए बल्कि ये भी 3 सालों के ऊपर स्प्रेड होना चाहिए। इसको हम स्प्रेड कैसे करेंगे, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव रेट। व्हाट इज इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट इज बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो बारिश हो रही है क्या बेटा, मजदूर बोल रहे हैं। सही है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट बेसिकली किसको कहेंगे, आईआरआर को, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को।
हाउ डू वी कैलकुलेट IRR? मेरे साथ कैश फ्लोज बैलेंस करवाओ। पहला ईयर जीरो, ईयर जीरो में कंपनी को कितने पैसे मिले? कितने मिले? 1152। फिर पहले, दूसरे और तीसरे साल में कंपनी ने रिटर्न कितना देना है? 96,000 का। और तीसरे साल में कंपनी ने पैसे वापस कितने करने हैं? 12 लाख। हमें कैलकुलेट करना है इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट, कि कंपनी को इफेक्टिवली क्या कॉस्ट पड़ रही है। IRR के लिए हम क्या करते हैं? तुक्के मारते हैं, दो तुक्के मारते हैं ना। तो लेट्स अज्यूम पहले आप 8% पे इसके फैक्टर्स लगाए, 8% के डिस्काउंट फैक्टर्स आप मुझे बताएंगे। पहला साल तो 1 ही है, 8% 3 साल का एनईटी फैक्टर, प्लीज 8% 3 साल का एनईटी फैक्टर। मेरा आंसर है 2.5771। ये मैंने रखा 2.5771, और 8% का तीसरे साल का डिस्काउंट फैक्टर कितना बनेगा? 0.7938। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ईयर जीरो का बना 1152, 96,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी? 2.5571 मल्टीप्लाई बाय 96,000, इट्स 245, 482। और लास्ट ईयर 12 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, बारह लाख मल्टीप्लाई बाय 7938। नाइन 5 2 5 6 0। इसकी एनपीवी कितनी है? 46,042। एनपीवी इसकी पॉजिटिव है, यानी वो 8% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। जैसे हम दूसरा तुक्का मारते हैं 11% पे, ग्यारह परसेंट का 3 साल का एनईटी फैक्टर,
2.4437। और डिस्काउंट फैक्टर 11% 3 साल। सेवन थ्री वन टू। बारह लाख 877440। एनपीवी कितनी है? 39,963। यानी 11% से कम है, 8% से ज्यादा है। आईआरआर F2 में आपने पढ़ा है, हम कैसे निकालते हैं? 8% से तो ज्यादा है, सो 8% प्लस एनपीवी एट लो रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट माइनस माइनस प्लस एनपीवी एट हाई रेट। हायर रेट हमने यूज किया है 11, माइनस लो रेट हमने यूज किया है 8। कितना आ रहा है आईआरआर? 9.606। ये है इसका आईआरआर या इफेक्टिव रेट। यानी इफेक्टिवली जो कंपनी बेयर कर रही है वो 9.6% बेयर कर रही है। तो हमें एक्सपेंस कभी भी कूपन को नहीं मानना होता, एक्सपेंस हमेशा हम इफेक्टिव को मानते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट इज 9.6%। हमें उसूलन क्या करना पड़ेगा? पहले रखेंगे लायबिलिटी का बैलेंस कितना है, उसमें निकालेंगे फाइनेंस कॉस्ट, उसमें से माइनस करेंगे कूपन, और फिर आ जाएगा हमारा सीडी। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमने कितना रिकॉर्ड किया था? लायबिलिटी को पहले दिन पे रिकॉर्ड किया था हमने 1152 पे। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस है 1152। इस पे फाइनेंस कॉस्ट कितनी लगाएंगे? 9.6%। 1152 का 9.6% एक दस 592। जबकि कंपनी इसमें से पे कितना करेगी इंटरेस्ट? 96,000। तो हमारी लायबिलिटी कितनी बनेगी? 1152 प्लस हमने कर दिया इंटरेस्ट, माइनस कर देंगे कूपन 96,000, बाकी बना 1166592। तो पहले साल हमने फाइनेंस कॉस्ट की एंट्री क्या पास की?
डेबिट हम करेंगे फाइनेंस कॉस्ट 110 592, क्रेडिट कैश या बैंक। अभी हम कितने पैसे दे रहे हैं, 96। बाकी दोनों में जो डिफरेंस है वो अभी हम कंपाउंड करेंगे और हम आपको देंगे रिडेम्पशन के टाइम पे। डिफरेंस कितना है, खोल दो बहुत। कितना है, 14,592। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, लायबिलिटी को बढ़ा दिया। लायबिलिटी देखिए पहले कितनी थी, इसमें हमने प्लस किया 11,492, तो लायबिलिटी आके यहां पे पहुंचनी चाहिए। हमने लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया इतने से। दूसरा साल ओपनिंग लायबिलिटी कितनी बनेगी, 11,692, इस पे 9.6% इंटरेस्ट लगाओ। यह गया 111,993, तो दूसरे साल हमारा इंटरेस्ट होगा 111,993। कंपनी पे करेगी वही 96,000, तो दूसरे साल हम डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट 1,11,993, क्रेडिट करेंगे कैश 96,000। दोनों में डिफरेंस कितना है, 59,93। लाइब्रेरी कितनी बनेगी आप, 11,82,584। लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस 11,82,584, इस पे लगाएंगे फाइनेंस कॉस्ट 9.6%, 1,13,528। कंपनी पे करेगी वही 96,000, तो लायबिलिटी कितने पे आके बैठेगी, 3 साल के बाद 12 लाख पे। तीसरे साल हम फाइनेंस कॉस्ट कितनी दिखाएंगे, 113,528, क्रेडिट किया 96,000। दोनों में डिफरेंस कितना है, 17,528। सही। अब आप तीनों का एक्स्ट्रा बैलेंस चेक करें। हमने इसमें ये एक्स्ट्रा खर्चा दिखाया, इसमें ये एक्स्ट्रा खर्चा दिखाया, इसमें ये एक्स्ट्रा खर्चा दिखाया। इन तीनों को प्लस करें
48,113। यहां पे देखें आखिरी साल में एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी जा रही थी, 48,000, और हमने यहां देखा राउंड अप डिफरेंस हटा के 48,000। ये वो खर्चा है जो पहले सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल को चार्ज किया जा रहा था। और हमने क्या किया, अब इसको तीनों सालों के ऊपर स्प्रेड कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैसे किया, बाय मीन्स ऑफ एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट भी क्या काम करेगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट का काम करेगा। वो खर्चा जो पहले किसी एक साल के गले में आ रहा था, वो खर्चा हमने तकसीम कर दिया पूरे मेच्योरिटी पीरियड के ऊपर, ताकि कोई एक साल मजलूमियत का शिकार ना बने और किसी एक साल के ऊपर कोई अननेसेसरी कॉस्ट चार्ज ना हो जाए। ठीक है, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको एक स्लाइड गो थ्रू आप दे दें तो इसके एडवांस लेवल पे हम फिर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू करेंगे। मीनवाइल इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।